आते ही दल बदल का भी दौर शुरू हो गया है और इसी की कड़ी में सागर, निवाड़ी, दतिया, सतना और शिवपुरी के नेताओं ने बीजेपी छोड़कर के कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। जब से बीजेपी की नई लिस्ट जारी हुई है उसके बाद से ही बीजेपी में कई तरह के असंतोष और नाराजगी की भी खबरें सामने आ रही हैं और बहुत से नेता कांग्रेस में शामिल होते नजर आ रहे हैं। शिवपुरी जिले से एक बार फिर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि कई नेता कांग्रेस में शामिल हुए। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र जैन गोटू भी कांग्रेस में शामिल हो गए। बीजेपी के पूर्व विधायक के भाई जितेंद्र जैन ने भी कांग्रेस की सदस्यता ले ली और निवाड़ी के जिला पंचायत सदस्य रोशनी यादव और राहतगढ़ के पूर्व जनपद अध्यक्ष नीरज शर्मा ने भी अब कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले ली है। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व कार्यालय कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पहुंचे सैकड़ों समर्थकों को पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सदस्यता दिलाई। इसके अलावा रेगांव से बीजेपी के पूर्व विधायक जुगल किशोर बागरी बेटे और बहू भी कांग्रेस में शामिल हो गए। इस सम्मेलन में सम्मिलित हैं सबसे निष्ठावान और सबसे अनुशासनवादी सदस्यगण। ये कांग्रेस के विभिन्न भाग, विभिन्न अंग में से सेवा दल एक ऐसा विंग है, एक ऐसा विभाग है जो जिससे जिसकी निष्ठा से कोई कंपीट नहीं कर सकता, कोई कंपटीशन नहीं कर सकता। हर समय नई चुनौतियां आती हैं और चुनौती हमारे सामने चुनाव की है। 4 महीने में चुनाव है और आप सब, मुझे बताया गया, मैं देख रहा था, आप सब जुटे हैं। कैसे आप वोटर लिस्ट, आप सब भूल जाइए, भारतीय जनता पार्टी सब चीजों का उपयोग करेगी। वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़ना, सही नाम कटवाना, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है।